इस्तांबुल और यहाँ की गलियाँ, बड़ी कलरफुल सी वाइब्स है यहाँ की। खैर, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा 5 जगह और स्टार्ट लूंगा यहाँ के वैक्स म्यूजियम से, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 21 हैं, जिनमें से एक इस्तांबुल में है। अब मैं क्योंकि ठहरा था इस्तकलाल स्ट्रीट के पास ही, तो बेहतर समझा कि पहले इसे ही विजिट किया जाए। उन तमाम लोगों के वैक्स फिगर्स हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया, whether they are scientists, sportsmen, actors, musicians, or someone you studied in your history subject. यहां मैंने सोचा क्यों ना अपने स्किल्स को थोड़ा शो ऑफ किया जाए। काइंड ऑफ फिर मेरी मुलाकात हुई चाचू आइंस्टाइन से। और ये रहे चाइना के टाइगर श्रॉफ। टॉम भाई को बाइक पे बैठा देखे मुझे 70 याद आ गई। डीजल इंजन वाले अंकल। और ये रहे हमारे डिकैप्रियो भैया। खैर, वैक्स फिगर्स तो यहाँ पर बहुत थे, लेकिन सब दिखाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। खैर, टाइम ज़ाया किए बगैर आगे चलते हैं। इतनी धूप ना होती तो शायद शॉर्ट्स ज़्यादा अच्छे आ सकते थे। और यहाँ पे किसी का बच्चा काफ़ी देर से रो रहा है, मुझे ये कोई चौथी दफ़ा आई गेस शूट करना पड़ रहा है। अच्छा, अब इतने शोर में और इतनी तेज हवा में मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ फास्फोरस ब्रिज का चक्कर लगाने, तो आता है तो दिखाता हूँ। सुबह से इतना चलने के बाद खाना खाना तो बनता था, और उसके बाद मैंने एंट्री मारी ग्रैंड बाजार, जो कि वाकई बहुत ग्रैंड है। अब इस ग्रैंड बाजार में चल चल के मैं तो बहुत थक चुका था, और ये बैग आप मेरे सामने देख रहे हैं, जब मैं इस्तांबुल आया था तब ये बैग साथ नहीं था, ये मुझे यहाँ आकर खरीदना पड़ा। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि जब आप पाकिस्तान से बाहर आते हैं तो आने से पहले आप कहा जाता है कि हमारे लिए आते हुए चॉकलेट लेके आना। अब उनके चॉकलेटों के लिए मुझे स्पेशल ये बैग खरीदना पड़ा। यार, क्यों खाते हो तुम लोग इतने चॉकलेट?
थोड़ी देर पहले आने ये तांसी मेरा फर्स्ट टाइम है सो ये